हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े बेस्ट क्वालिटी स्टॉक के बारे में, जिसका फ्यूचर आने वाले 2 से 5 सालों में काफी इंडस्ट्री बूम करने वाली है। और ये इंडस्ट्री ऐसे बूम करेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें इतनी तेजी कहाँ से आ गई, और ये इसी साल से देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, तो इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं और आप भी अपनी एनालिसिस जरूर कीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये सारे डिजिटल ग्रोथ वाली कंपनियों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से इंडिया में धीरे धीरे स्टार्टअप्स होते जा रहे हैं, जो कि काफी धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, और इनका जो बेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इस सेक्टर में जो कंपनियां उभर रही हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज है फ्रेंड्स, आज धीरे धीरे हर सेगमेंट में, हर इंडस्ट्री में होता जा रहा है। लाइक एजुकेशनल से रिलेटेड, हेल्थ सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस, सारे सेक्टर में ये इंडस्ट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिमांड काफी बूम में होने वाला है आने वाले कुछ ही सालों में। दोस्तों, अगर इस साल 2021 में अगर आप सोचते हैं ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले स्टॉक में मैं पैसा लगाऊं, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि आने वाले इंडिया का फ्यूचर यही होने वाला है। फ्यूचर इंडिया का ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड देख रहे हो कि टेक्नोलॉजी की जिस तरह से डिमांड हो रही है। तो आप अगर अभी से इन्वेस्टमेंट करते हो इस फील्ड में, इस सेक्टर में, तो आप सोच सकते हो कि आप कितनी अच्छे प्रॉफिट पर बैठोगे आने वाले कुछ ही सालों में। सो फ्रेंड्स, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सेगमेंट के फ्यूचर को समझो और ऐसे स्टॉक पिक करना अभी से स्टार्ट कर दो, तो जाके आप कल एक अच्छे खासे प्रॉफिट पर इसका एंजॉय लोगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ये मेरे 5 स्टॉक रहने वाले हैं, तो जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए फील्ड के हैं, उसमें से आपको किसमें कितना पैसा लगाना है वो डिसीजन फाइनल आपका होगा। सो फ्रेंड्स, चलिए चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें से पहली कंपनी का नाम है टाटा इलेक्सिस। जी हाँ फ्रेंड्स, टाटा ग्रुप की ये दिग्गज कंपनी, जो कि 1989 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, ये वर्ल्ड्स लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर है अपने सेगमेंट में, लाइक डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस इंडस्ट्रीज में कंपनी ये कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लाइक ऑटोमोटिव, ब्रॉडकास्ट, कम्युनिकेशन एंड हेल्थ केयर सेगमेंट में ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फ्रेंड्स, कंपनी के प्रेजेंट की बात करें तो कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड बिजनेस करती है। इनका 36.5% का रिवेन्यू यूरोप कंट्री से आता है, और उसके बाद अमेरिका से इनका 36% की रिवेन्यू जनरेट होती है। वहीं ऑल ओवर इंडिया से इनका 13% का बिजनेस है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से है 14.5% की रिवेन्यू इनको अदर कंट्रीज से आती है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कंपनी का जो रिवेन्यू आता है वो 13% इंडिया से आता है, बाकी बाहर के देशों से इनका कंट्रीब्यूशन आता है इनके रिवेन्यू का। तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि इनका जो प्रेजेंस है वर्ल्ड वाइड है। फ्रेंड्स, कंपनी का बिजनेस देखना है तो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इजिली जो इन्होंने थीम रखा है वो हिसाब से आपको देख के क्लियर समझ में आ जाएगी कंपनी एक्चुअली में करती क्या है और किस तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में कंपनी काम कर रही है। सो फ्रेंड्स, हम कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं कंपनी का वर्क स्कोप कहाँ कहाँ है। तो देख सकते हैं कंपनी की जो इंडस्ट्रीज दी हुई है, कंपनी ऑटोमोटिव, ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया सेगमेंट, कम्युनिकेशन सेगमेंट में है, ऑफ हाईवे इक्विपमेंट में है, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में है, अप्लायंस एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, रेल एंड सेमीकंडक्टर, ये सारी इंडस्ट्रीज में कंपनी इन्वॉल्व है। कंपनी का वर्क स्कोप काफी फैला हुआ है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। कंपनी डिजिटली टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है और उसकी डिजाइनिंग प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को, यहाँ पे आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, टाटा इलेक्सिस इस कंपनी का मार्केट कैप देखा जाए तो यह लार्ज कैप की कंपनी है, जिसका मार्केट कैप है 29,178 करोड़ का। कंपनी का करंट प्राइस जो चल रहा है 4685 का, यानी कि 4,685 रुपीज इसका करंट प्राइस है। कंपनी का 52 वीक हाई है 4,853 का, और 52 वीक लो की बात करें तो 1,056 रुपए है। कंपनी का फ्रेंड्स चार्ट देख सकते हैं कि कंपनी का अपवर्ड चार्ट आपको डायरेक्शन में देखने मिल रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि काफी पॉजिटिव सिग्नल देता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। और वहीं कंपनी के पी की बात करें तो कंपनी का पी है 70.7 का, इंडस्ट्री का पी देखे तो 26.4 है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए तो 40% का है, वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी है 29.9% की। कंपनी के ऊपर ऑल ओवर डेब्ट की बात करें तो 73.2 करोड़ की, जो कि काफी माइनर सी डेब्ट है, और वहीं इनका रिजर्व है 1:90 करोड़ का, और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखा जाए तो 0.05 है, जो कि काफी अच्छी बात है। वहीं कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखा जाए
तो पिछले साल का सेल्स ग्रोथ रहा 20.3% की। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 49.4% की इनकी प्रॉफिट ग्रोथ रही है पिछले एक साल में। कंपनी का सीएजीआर रिटर्न देखा जाए इनके प्राइस के हिसाब से तो कंपनी ने एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को 340% की रिटर्न दी है, जो कि इन्वेस्टर्स के पैसे को लगभग 350% करके इन्होंने रिटर्न दिया है। वहीं 5 इयर्स की सीएजीआर ग्रोथ देखा जाए तो 42% है, 10 इयर्स का सीएजीआर देखा जाए तो वो है 48% का। तो ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस सीएजीआर काफी अच्छा नजर आता है। और इस साथ ही साथ इसके प्रमोटर्स होल्डिंग देखते हैं आप तो वो है 44.5%, और जिसमें प्लेस की बात करें तो कंपनी ने 0 प्लेसिंग पे के साथ प्रमोटर्स होल्डिंग रखी है, यानी इनके प्रमोटर्स का कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। कंपनी एक 0 डेप्ट कंपनी है, जो कि काफी अच्छी बात है, और टाटा ग्रुप की कंपनी है तो आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सेकंड स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक का नाम है परसिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड, जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी 1990 में, और ये कंपनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी जो है डिजाइन करती है, डेवलप करती है और मेंटेन करती है सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को, और उसी से रिलेटेड सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। और यही कंपनी न्यू एप्लीकेशन बनाती है और उसके रिलेटेड सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड करती है। और इसी के साथ साथ कंपनी जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में फैली हुई है, जो कि 17 अदर कंट्रीज में भी वर्क करती है, इंक्लूडिंग इंडिया। और कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो फ्रेंड्स, कंपनी को जो टोटल रिवेन्यू आती है उसका 81% इनको नॉर्थ अमेरिका इस कंट्री से आता है, और वहीं इंडिया से इनको जो रिवेन्यू आती है वो 9% इनके टोटल रिवेन्यू की आती है, यूरोप से 9% आती है, जबकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनको 1.5% की टोटल रिवेन्यू आती है। तो देख सकते हैं कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस काफी अच्छा नजर आता है। इनकी ओवरऑल रिवेन्यू है वो जो कि बाहर के देशों से ही आ रही है। रिवेन्यू का जो सेगमेंट देखा जाए तो इसका ब्रेकअप देखे तो कंपनी को जो टेक्निकल सर्विस से इसकी टोटल रिवेन्यू है वो 70% की है, और फॉलोअर्ड जो है पार्टनरशिप ऑपरेशन से इनको 26% की रिवेन्यू जनरेट होती है, और अदर सेगमेंट के अकाउंट में देखा जाए तो एक्सेलरेट सेगमेंट अकाउंट से इनको 4% की रिवेन्यू आती है। सो फ्रेंड्स, अब कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 24,566 करोड़ का। कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है 3,214 रुपए का करंट प्राइस है। कंपनी के 52 वीक हाई देखे तो 3,298 है, वही 52 वीक लो देखे तो 950 रुपए का है। कंपनी का प्राइस चार्ट देखते हैं तो फ्रेंड्स, कंपनी काफी अप ट्रेंड में दिखती है, यानी कि कंपनी पिछले पास्ट परफॉर्मेंस से काफी अच्छा ग्रोथ करते जा रही है। कंपनी का पी देखे तो 48 का है, वहीं इंडस्ट्री का पी देखे तो 26.4 नजर आता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो है 21.2%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 16.1%, कंपनी के ऊपर ओवरऑल डेप्ट है 98.4 करोड़ का, और कंपनी के पास रिजर्व है 2,719 करोड़, जो कि डेप्ट के कंपेयर में कई गुना ज्यादा इनके पास रिजर्व पड़ा है। तो कंपनी एक डेप्ट फ्री कंपनी आप कह सकते हो, और वहीं कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.04। और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का पिछले एक साल का सेल्स ग्रोथ रहा है 18.8%, प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो 47.2% की इनकी प्रॉफिट ग्रोथ है, वहीं सीएजीआर ग्रोथ देखे तो वो है 209% की इनकी सीएजीआर ग्रोथ पिछले एक साल में, और 5 साल में देखा जाए तो 38% का है, वहीं 10 इयर्स में 18% का है। कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग 31.2% है, और जिसमें से प्लेस कुछ भी नहीं है, मतलब गिरवी कुछ भी नहीं रखा है। कंपनी 0 डेप्ट है, और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखा जाए तो फ्रेंड्स वो है 1,014 रुपए। तो आप कह सकते हैं कि कंपनी काफी महंगी नजर आती है, बिकॉज ऑफ कंपनी का जो डिमांड है और कंपनी का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है वो काफी बढ़िया है, जिसके चलते कंपनी आपको हाई वैल्यूएशन पर ही मिलेगी। सो फ्रेंड्स, कंपनी का नेगेटिव पॉइंट कुछ भी नहीं है, कंपनी सिर्फ और सिर्फ थोड़ी कॉस्टली है इस समय, तो जैसे ही इसमें गिरावट अगर आती है तो ये आपके लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, अपने थर्ड स्टॉक की कंपनी जिसको हमने कवर किया उसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, जो कि एक मिड कैप कंपनी है प्रेजेंट में। फ्रेंड्स, हैप्पीएस्ट माइंड जो है 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई है। ये कंपनी के फाउंडर हैं मिस्टर अशोक सुप्ता जी, जो कि कंपनी के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। और इससे पहले अशोक सुप्ता जी की बात करें तो वो हैप्पीएस्ट माइंड के पहले माइंड ट्री के फाउंडिंग चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं, और इससे पहले वो विप्रो जैसी बड़ी कंपनी में भी 15 सालों तक एक प्रेसिडेंट के लेवल पर उन्होंने काम भी किया है। कंपनी का हेडक्वार्टर देखा जाए तो बेंगलोर में है। कंपनी के ऑपरेशन की बात करें तो काफी ग्लोबल प्रेजेंस कंपनी के भी फैले हुए हैं, जो कि यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड मिडल ईस्ट में भी है,
और यह कंपनी भारत में फोर्थ रैंक की आईटी कंपनी जानी जाती है जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक्स एंड ड्रोन, सिक्योरिटी, सोशल नेटवर्किंग, एनालिटिक्स एंड मोबिलिटी, ये सारे लेवल पर कंपनी काम करती है। हैप्पीएस्ट माइंड एक हाईएस्ट डिजिटल नेटवर्क प्लेटफॉर्म पर काम करती है जिसमें काफी सारी कंपनियां इनसे पीछे ही है। कंपनी का जो आईपीओ आया था सितंबर 2020 में आया था, जिसको कंपनी को एक साल भी नहीं हो रहा है, और वो आया था 166 रुपए पर, जिसकी लिस्टिंग धमाकेदार हुई थी, ये सभी हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 20,407 करोड़ का, जो कि एक मिड कैप कंपनी है प्रेजेंट में, और वहीं कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 1,390 रुपए पर। इसकी 52 वीक हाई देखा जाए तो 1,581 है, वहीं 52 वीक लो की बात करें तो 286 रुपए है। कंपनी का जो पी है करंट में काफी महंगा देखने को मिलता है, वो है 134 का, जबकि इंडस्ट्री का पी है 26.4 का। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 39.9% और कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है 34.5%। वहीं कंपनी के डेब्ट की बात करें तो कंपनी के ऊपर टोटल कर्जा है 193 करोड़ का, जबकि इनके पास रिजर्व है 518 करोड़ की, और वहीं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो कि काफी निगलिजिबल है 0.35% की है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ रहा है पिछले एक साल का 14.7% का, वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 38.5% है इनका पिछले एक साल का प्रॉफिट ग्रोथ। और फ्रेंड्स, बता दो आपको कि कंपनी का पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो वो है 115% कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, यानी एवरी ईयर 115% की इनकी प्रॉफिट ग्रोथ रही है पिछले 5 सालों में। कंपनी का सीएजीआर है पिछले एक साल का 274% का, यानी एक साल में 274% की कंपनी ने रिटर्न दिया। इतना लाजवाब रिटर्न दिया हैप्पीएस्ट माइंड ने कि इसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। इसका सेगमेंट बहुत अच्छा है उस हिसाब से, और कंपनी को देख सकते हैं कि सितंबर 21 में ही इनका आईपीओ आया था, तो अभी एक साल भी नहीं हुआ है जो कि कंपनी ने इतने अच्छे रिटर्न दिए अपने इन्वेस्टर्स को, और लॉन्ग टर्म में उम्मीद है कि ये ऐसे ही रिटर्न देते रहेगी। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हैं फ्रेंड्स 53.2% है, जिसमें से प्लेस कुछ भी नहीं है। कंपनी थोड़ी महंगे वैल्यूएशन पर जरूर नजर आती है, बट कंपनी का सेक्टर काफी अच्छा है, और इन फ्यूचर हैप्पीएस्ट माइंड और भी तेज भाग सकता है बिकॉज ऑफ इसका वर्क सेक्टर जो है आईटी फील्ड में एक जानी मानी कंपनी है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। सो फ्रेंड, नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो ये फोर्थ रैंक पे जो हमने कवर किया है अपना स्टॉक का नाम है एफल इंडिया। जी हाँ फ्रेंड्स, एफल इंडिया लिमिटेड जो कि 2005 में एस्टेब्लिश हुई थी, ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी है जो 2006 में इंडिया में आई थी। इसके फाउंडर है मिस्टर अनुज खन्ना जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन है इस कंपनी के। एफल इंडिया की बिजनेस की बात करें तो कंपनी मोबाइल एडवर्टाइजिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। जुलाई 2019 में कंपनी ने अपना आईपीओ लाया था, जिसके बाद कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी। फ्रेंड्स, कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो इजी वे में समझाया तो कंपनी अपने मोबाइल यूजर्स को जो एप्लीकेशन पर एड प्रोवाइड करती है, कोई भी कंपनी एड चलाती है तो वो एड लगाने का काम जो है वो एफल इंडिया करती है। एफल इंडिया के पास जो है सबसे ज्यादा कस्टमर डेटा है, लगभग 200 करोड़ से भी ज्यादा इनके पास कस्टमर का डेटा है। कंपनी जो है कंज्यूमर एक्सेप्टेबल एडवर्टाइजिंग पर काम करती है, यानी कि कस्टमर के हिसाब से विज्ञापन चलाती है। कस्टमर इंटेलिजेंस को समझकर ये कंपनी एक यूनिक फीचर प्रोवाइड करती है अपने सेगमेंट में। और देखा जाए तो कंपनी की जो सबसे खास बात है, इंडिया में लगभग 10 करोड़ यूजर ऐसे हैं जो मोबाइल सर्विस लेते हैं, तो 10 करोड़ यूजर्स में से अकेले एफल इंडिया का जो कन्वर्जन रेट है 50% का है, यानी कि कंपनी के पास 5 करोड़ यूजर सर्विस है जिनको कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है जो कि कंपनी को काफी पोटेंशियल बनाता है अपने फील्ड में। कंपनी का बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो फ्रेंड्स, कंपनी जो है टारगेटेड मार्केटिंग करती है, यानी कि मोबाइल यूजर के एप्लीकेशन पर कस्टमर के चॉइस या कस्टमर के प्रेफरेंस के हिसाब से एडवर्टाइज चलाती है। जैसे कि हमारे यूट्यूब पर आप कोई चैनल देख रहे हैं तो आपको जिस इंटरेस्ट का आप वीडियो देख रहे हैं उसी से रिलेटेड आपको एड जो चलता है वो काम करती है एफल इंडिया जैसी कंपनी। और रीटारगेटिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर इनको भी है टारगेट करती है, ये भी इनका एक बिजनेस सेगमेंट है। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को फिर से टारगेट करने का भी काम करती है। इसी के साथ साथ कंपनी ऑनलाइन टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी काम करती है। कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी को ओवरऑल इंडिया से 47% की रिवेन्यू जनरेट होती है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनकी 53% की रिवेन्यू अन्य देशों से आती है। सो फ्रेंड्स, कंपनी का मार्केट कैप देखा जाए तो वह है 10,233 करोड़ का, और कंपनी का करंट प्राइस है 3,836 रुपए। कंपनी में आज के दिन ही 4% की गिरावट देखने को मिली है, जिसका रीजन था कि कंपनी का स्टॉक स्प्लिट का न्यूज आने के चलते कंपनी में 4% की गिरावट आज के दिन देखने मिली है। कंपनी का 52 वीक हाई रहा है 6,287 रुपए का,
वहीं 52 वीक लो की बात करें तो 2334 रुपए है। कंपनी का पी देखा जाए तो 67.3 है, वहीं इंडस्ट्री का पी है 22.7 का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो है 39.2%, वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी है 39.45.9% का। कंपनी के ऊपर ओवरऑल कर्जा है 119 करोड़ का, जिसमें से कंपनी के पास रिजर्व है 333 करोड़ और डेप टू इक्विटी रेशियो है 0.33%। और साथ ही साथ सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 66% की इनकी सेल्स ग्रोथ रही है पिछले साल में, और वहीं प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो 114% की शानदार प्रॉफिट ग्रोथ रही है लास्ट वन ईयर में। कंपनी का सीएजीआर देखा जाए तो पिछले एक साल में 66% का रहा है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो फ्रेंड्स 59.9% की इनकी प्रमोटर होल्डिंग थी, जिसमें से प्लेस कुछ भी नहीं है। तो कंपनी के सबसे निगेटिव पॉइंट एक ही नजर से कंपनी थोड़ी कॉस्टली है इस समय, और उसी के साथ साथ क्वार्टर एंड क्वार्टर इनकी प्रमोटर्स होल्डिंग जो थी 2.71% से घटी हुई नजर आती है, जो कि एक निगेटिव पॉइंट है। इसके बाद हम लास्ट अपनी फिफ्थ नंबर की कंपनी जो हमने कवर किया उसके ऊपर आएंगे, जिसका नाम है सैकसॉफ्ट लिमिटेड। कंपनी के बिजनेस की बात की जाए तो फ्रेंड्स कंपनी जो है आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने सेगमेंट में। कंपनी जो प्रोवाइड करती है बिजनेस इंटेलिजेंस टेस्टिंग एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन अपने सेगमेंट में। इसी के साथ साथ सैकसॉफ्ट जो कंपनी है वो एंगेज है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंसल्टिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनका काफी रोल रहता है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैप का, तो कंपनी जो है एक माइक्रो कैप कंपनी आप इसको समझ के चल सकते हैं, जिसका मार्केट कैप है 808 करोड़ का। कंपनी का करंट प्राइस है 770 रुपए, 52 वीक हाई है इनका 880 रुपए का, 52 वीक लो की बात करें तो 233 रुपए है। कंपनी का जो आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो इनका प्राइस चार्ट देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी ने कितना अच्छा प्रोग्रेस करके दिया है पिछले कुछ सालों से। और वहीं 52 कंपनी के पी की बात करें तो 15.2 है, इंडस्ट्री का पी है 26.4 का, और रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो 19.5% है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 26.4 का। कंपनी के ऊपर डेप्ट की बात करें तो 26.5 करोड़ की डेप्ट है इनके ऊपर ओवरऑल, और वहीं रिजर्व है इनका 249 करोड़ का। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.10 है, लगभग नेग्लिजिबल डेप्ट है फ्रेंड्स। तो ये एक डेप्ट फ्री कंपनी है, जो कि एक माइक्रो कंपनी है, जिसमें अभी काफी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और आगे देखने को मिल सकती है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ रहा है 9.10% का, और वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 35% है। ओवरऑल सीएजीआर ग्रोथ देखा जाए पिछले एक साल का तो 169% की इस माइक्रो कैप कंपनी ने इतनी शानदार ग्रोथ दी है अपने इन्वेस्टर्स को, 169% वन ईयर में रिटर्न दिया है। और 5 इयर्स की रिटर्न देखा जाए तो ओवरऑल कंपाउंडेड ग्रोथ रेट है इनकी 29%, 10 इयर्स की कंपाउंडेड सीएजीआर ग्रोथ है 25% की, जो की काफी अच्छी मानी जाएगी। वो भी एक माइक्रो कैप कंपनी अगर इतनी अच्छी रिटर्न देती है तो समझ सकते हैं कि इसका फ्यूचर एस्पेक्ट और कितना बढ़िया हो सकता है। कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 69.10% की इनकी प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि पिछले 3 सालों में इनकी प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी घटी जरूर है 3.80% से, जो कि एक निगेटिव पॉइंट नजर आती है कंपनी में। ओवरऑल कंपनी जीरो डेप्ट कंपनी है, कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग अच्छा है, कंपनी के प्रमोटर की एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है। कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू है 647 की, जिससे कि कंपनी का करंट प्राइस है 770 का, यानी कि कंपनी अपने फेयर वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, ये अभी ओवर वैल्यू नहीं है। सो फ्रेंड्स ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, जिसमें आप थोड़ा पोर्शन इस कंपनी में भी अपने इन्वेस्टमेंट का दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हुए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई हो। सो फ्रेंड्स लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। सो बेल आइकन